तुम खुश नसीब हो। गांव कौन सा है भाई? कड़लूर। चाचा का नाम भीमराज है या कोई और नाम भी है? नहीं सर, उनका असली नाम राजशेखर है। एक मर्डर केस है सर। हस्बैंड और वाइफ चेन्नई से थे, यहाँ पर रहते थे। उस गन को हमने सीज कर लिया है, पर उसकी बुलेट स्पॉट से नहीं मिली है सर। मैं अकेला हूँ, किसी के साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आपके पास तो बहुत सारी जवान लड़कियाँ हैं, मुझे किसी लड़की के साथ सेट करवा दो ना। इस एरिया में अगर किसी को लड़की चाहिए तो ऐप पर जाने पर कोई भी अगर लड़की बुक करेगा तो मुझे ही मैसेज आएगा, तो मैं कस्टमर को व्हाट्सएप पे कॉल करके डील करता हूँ। आज हम सब लोग यहाँ महिलाओं की भलाई के लिए इकट्ठा हुए हैं। आजकल महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, हिंसा करने वालों के खिलाफ हम सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। महिलाओं का सम्मान करना ही होगा। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव केस है सर, संभाल के हैंडल कीजिएगा। छोटी लड़की है, जरा आराम से ना। जब खुद की घरवाली घर में नहीं है तो छोटी लड़कियों को घर पे बुला के जलसा करता है। मैंने सोचा था मैं पढ़ रही हूँ, किसको पता क्या हो रहा है, इसीलिए उसने खुदकुशी कर। ऐसे काम करने वालों को मरना ही चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं, बेइज्जत होकर मरना चाहिए। दिव्या का दोस्त बताकर एक लड़का उससे मिलने घर आया। वो मुझे बहुत पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। तेरा वीडियो है प्याप वाली गांव में जो तेरा बाप नाटक कर रहा है ना, उसे मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। तू अच्छी तरह सोच ले। अब माँ बाप अपनी बेटी को धंधा करने वाली ऐसा कैसे कह सकते हैं, जरा बता। उसने बताया था कि कोई धमकी दे रहा है, लेकिन कौन दे रहा है ये नहीं बताया। इतने बड़े कॉलेज के ऊपर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग ये केस कैसे फाइल कर सकते हैं? सर, इस केस का संबंध उस कॉलेज के हाई लेवल का प्रेशर लगाकर सबको चुप करा दिया। सर, मीडिया पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बहुत सारे कॉलेजों में पैसा खिलाकर खुदकुशी का मामला दबा दिया जाता है। जिंदगी में कुछ भी हो, ऐसे घटिया लोगों के पास नहीं आना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज है क्या बेटा? गलत रास्ते पर जाओगी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।